इतना स्ट्रांग है कि स्ट्रांगनेस के साथ और बाकी कुछ स्मेल करने का हिम्मत नहीं होता है, लेकिन मेरा तो काम है, मैं तो टेस्ट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या है। 90% जो है ना वो इमेच्योर अनएज्ड अल्कोहल का स्मेल आता है और 200% निट ट्राई करने के लायक नहीं है। मेरा काम है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई नहीं करूँगा तो आपको बताऊँगा कैसे। पानी मिला के देखते हैं। हेलो नमस्कार, वेरी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिव्यू किया था रॉयल स्टैग विस्की का, और ये बेसिकली पब्लिक डिमांड पे मेरे को ये रिव्यू लाना पड़ा, रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट का। क्या है, रॉयल स्टैग तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विस्की है इंडिया में, और मतलब एक ज़माने में रॉयल स्टैग यूज़ टू बी द नंबर वन सेलिंग विस्की इन द वर्ल्ड। तो कितना पॉपुलर विस्की है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो उसका वो सक्सेस और वो सब देख करके फिर कंपनी ने एक और रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट नाम से ये विस्की लॉन्च किया था। अभी नाम से बैरल सेलेक्ट का मतलब लगता है कि जो विस्की एज करने के लिए बैरल में रखा जाता है उसमें से सेलेक्ट करके कुछ बहुत शानदार विस्की इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका बॉटल का बात करें। सेम कंपनी जिसने रॉयल स्टैग का बॉटल डिज़ाइन किया था, यूके बेस्ड कंपनी है काचल्स, तो उसी ने इसका भी बॉटल डिज़ाइन किया है। और जो डिफरेंस है वो ये जितने एजेस है वहाँ पे एक ज़रा सा डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है इसमें, तो ये डिफरेंस है बेसिकली बॉटल में। यहाँ पे इसने बड़ा प्रोमिनेंटली इसको दिखाया है सोलेरा प्रोसेस। सोलेरा प्रोसेस अगर 1 मिनट में मैं आपको समझाऊँ तो क्या है, विस्की को एजिंग के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट बैरल्स पे स्टेक करके रखा जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो सबसे ऊपर रखा होगा जो बैरल, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है थ्रू आउट द ईयर वो सबसे ज़्यादा फील किया जाता है, क्योंकि वो छत के नज़दीक होता है। और जो सबसे नीचे का जो बैरल होगा वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि वो नीचे ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल के आसपास में होता है। वैसे यूजुअली बहुत सी कंपनियाँ हैं जो कि ऊपर के बैरल में जो विस्की आती है उसको वो लोग डिफरेंट नेम से थोड़ा बेसिक रेंज में, मतलब थोड़े सस्ते विस्की के तौर पे उसको सेल करते हैं, और जो नीचे का जो बैरल का जो विस्की होता है वो प्रीमियम विस्की होता है नॉर्मली। सोलेरा प्रोसेस में क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ विस्की को शिफ्ट किया जाता है, सो दैट कि जितना भी विस्की एक साथ एज किया जा रहा है वो सारे विस्की का क्वालिटी एक जैसा होगा। तो ये सारी जो बातें हुई ये तो स्कॉच के केस में होता है। ये तो सस्ता सुंदर टिकाऊ इंडियन विस्की है जो मतलब है तो पर्नो रिकॉर्ड का ब्रांड वर्ल्ड वाइड बिकता है, बट इंडिया में बिकने वाला विस्की है। और जैसा कुछ 750 रुपया के आसपास इसका रांची में प्राइस है। तो इसमें क्या है कि स्कॉच अगर सोलेरा प्रोसेस से प्रोसेस किया हुआ स्कॉच इसमें मिक्स किया होगा तो हार्डली 10-12% ही मिक्स किया जाता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो ये जस्ट मार्केटिंग गिमिक है सोलेरा प्रोसेस, और कुछ नहीं, बैरल सेलेक्ट नाम है। रॉयल स्टैग की ब्रांडिंग अभी भी है इसमें, पता चलता है कि ये भी रॉयल स्टैग का, बेसिकली कंपनी इसको रॉयल स्टैग से एक स्टेप ऊपर पोजीशन करती है मार्केट करने के लिए। तो रॉयल स्टैग का रिव्यू तो अभी मैंने किया था ज़रा दिन पहले, उसका टेस्ट वो ध्यान में है मुझे। अब इसको आज चेक करते हैं और बताते हैं आप लोग को कैसा है, कैसा है। ओपन करते हैं बोतल को। ओके, आसानी से खुल गया। चलिए, स्मेल तो अभी से आ रहा है इसका। सीग्रम्स का ब्रांड रॉयल स्टैग, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल विस्की जो इंडिया में बिकता है, इंडिया के बाहर भी बिकता है। और उसका ये
प्रीमियम वेरिएंट रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट। चलिए इसको स्मेल करके देखते हैं। जबरदस्त स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रांगनेस के साथ और बाकी कुछ स्मेल करने का हिम्मत नहीं होता है, लेकिन मेरा तो काम है, मैं तो टेस्ट करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या है। वुडी स्मेल है हल्का सा, थोड़ा फ्रूटी टाइप का फ्लेवर, लेकिन वो मतलब जस्ट मैं कहने के लिए कह रहा हूँ। आप लोग जब वैसे इसको टेस्ट करेंगे, स्मेल करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग वो जज कर पाएंगे। नाइन्टी % जो है ना वो इमैच्योर अनएज्ड अल्कोहल का स्मेल आता है, और बाकी जो मैंने बताया ये सोलेरा प्रोसेस और इतनी सारी चीज़ें लिख रखा है, बट वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हार्डली कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग इमैच्योर यंग अल्कोहल का स्मेल है, वो भी मतलब मोलेसिस टाइप के अल्कोहल टेस्ट करते हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग, ये जो मैंने रॉयल स्टैग टेस्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है नेचर में। इसको क्या सोच करके ये लोग रॉयल स्टैग से ऊपर पोजीशन कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। स्वीट है, थोड़ा बहुत स्पाइसेस का भी नोट आता है, थोड़ा तीखा लगता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, जो मतलब देसी ठर्रा मिक्स किया हुआ है वैसा फील होता है। देसी ठर्रा मतलब क्या, जो मोलासिस का जो अल्कोहल है वही देसी दारू है, उसमें इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल कलर ऐड किया है। कंसिस्टेंसी वो भी वो ठर्रे के जैसा ही है पूरा, कुछ कहीं कोई विस्कोसिटी ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है। स्कॉच विस्की कुछ मिक्स किया है, वो जो स्कॉच विस्की मिक्स किया गया होगा उसका ये सोलेरा प्रोसेस का है नहीं, आई डोंट नो। और 200% निट ट्राई करने के लायक नहीं है, मेरा काम है, मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं ट्राई नहीं करूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे, पानी मिला के देखते हैं। आग ही आग, दिस इज़ द रीज़न वाई इंडिया में लोग मतलब विस्की 30 ml 60 ml विस्की ग्लास में लेते हैं और उसको पूरा ऊपर तक पानी भर करके पीते हैं, क्यों? ये सब जो विस्की है यही उसका रीज़न है। विस्की को पीने का जो तरीका वर्ल्ड वाइड या ऐसे जो उसको पूरा ये लोग चेंज करवा देता है। आप देखेंगे 90% इंडियन का आदत 30 ml 60 ml विस्की लेंगे, पूरा ग्लास ऊपर पानी से भरेंगे तब, क्योंकि उसके बिना पीने के लायक ही नहीं है ये सब। होता क्या है, पानी मिक्स करने के बाद जान में जान आती है, विस्की में नहीं, खुद अपने आप में पानी मिला करके आप इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये विस्फोटक है, बिना पानी के नो वे। अच्छा, अब अगर पॉइंट पे आ जाऊँ मैं, तो इसका टेस्ट
रॉयल स्टैग जो रेगुलर है, जो कि इससे कुछ 150 रुपये कम में आता है, उससे बिल्कुल बेहतर नहीं है। जहाँ तक कि मैं कहूँगा उससे डेफिनेटली ये इन्फीरियर क्वालिटी है। बैरल सेलेक्ट और सोलेरा प्रोसेस ये सब की ऐसी की तैसी, वो कुछ नहीं है। इसमें शुद्ध मोलासिस है और उसमें आर्टिफिशियल कलर और बस। और हाँ, एक और चीज़, पानी मिलाने के बाद काफ़ी हद तक स्मेल में भी वो बूम जो है अल्कोहल का वो नहीं लगता है। और आप पानी मिलाने के बाद इसको गले से नीचे ले जा सकते हैं, अदरवाइज निट में नो वे। ये था छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट का। फिर से एक बार कह देता हूँ, रॉयल स्टैग मेरे को इससे बेटर टेस्ट किया था। शायद मेरे पास बोतल कहीं पड़ी होगी रॉयल स्टैग की, देखता हूँ तो उसको साइड बाय साइड एक कंपैरिजन करके भी मैं ये श्योर होना चाहता हूँ कि डेफिनेटली रॉयल स्टैग रेगुलर जो है वो इससे बेटर टेस्ट करता है। बताऊँगा आप लोगों को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और विस्की का रिव्यू करेंगे या म्यूज़िक पे बातें करेंगे, लॉन्ग ट्रिप पे ले चलेंगे आप लोगों को। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।